तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप ही के कमेंट्स को पढ़ के वीडियो बनाया। आप में से काफी लोगों के कमेंट आए थे कि सर एक म्यूचुअल फंड एजेंट आखिर कितना कमा लेता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि म्यूचुअल फंड एजेंट मिनिमम से मिनिमम कितना कमा सकता है। मैक्सिमम तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बाकी अगर हम करें कि भाई मार्केट खराब है तो मिनिमम से मिनिमम एक म्यूचुअल फंड एजेंट कितना कमा सकता है, कितने टाइप के कमीशन होते हैं, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो चालू करते हैं हम चाहे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने करा है कि अगर आपके क्लाइंट आपको 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब ये पर ईयर का हमने लिया है। यहाँ पे हमने 15 साल के लिए इसको कुछ रखा है। तो फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि जो हमें ग्रोथ मान के चलते हैं कि 12% आप एक एवरेज ग्रोथ ले लीजिएगा, तो आपको जो अपफ्रंट कमीशन मिलेगा ये मिलता है 0.5%। हमने मिनिमम लिया है, ये 2.5 तक भी चल जाता है, तो आपको मिलेगा 500। इसके बाद ट्रायल कमीशन भी फर्स्ट ईयर में आपका नील रहेगा, ठीक है, उसकी तो टोटल आपका हो जाएगा 500। अभी हम इसके सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर में फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,00,000 रुपए आ गया। अभी आपको इसमें आप देखेंगे आपका तो आपका 12% आप ग्रोथ इसमें ऐड करेंगे तो 1,12,000 इसमें आपका अमाउंट हो गया। अभी इसका अपफ्रंट कमीशन मैंने बताया था कि आपको 1,00,000 जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है उसी पे मिलता है, तो 0.5 हमारा वही 500 रुपीज हो गई। बाकी यहाँ पे जो ट्रायल कमीशन है वो हमको 1,12,000 पे मिलेगा, 560 रुपीज। तो आपका टोटल हो गया है 1,060 रुपीज। ये हमारा सेकंड ईयर का होगा। ये लमसम में हम बात कर रहे हैं, SIP का बात नहीं कर रहे। SIP भी सेम ऐसा ही रहता है, बाकी यहाँ पे हमने लमसम को लिया है। अच्छा, अभी हम सीधे फिफ्थ ईयर पे चलते हैं। फिफ्थ ईयर में देखते 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसका जो हमारा वैल्यू हुआ है अमाउंट का हुआ है 5,35,284 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अपफ्रंट कितना मिला, 500 रुपीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रायल यहाँ पे मिलेगा 2,676 रुपीज। तो आपका जो टोटल अर्निंग है वो 3,176 रुपीज। ऐसा ही करके दोस्तों अगर हम चलते लास्ट में, हम चलते जो लास्ट वाली उस पे चलते हैं, 15 वाले पे चलते हैं। यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,00,000 रुपए। अभी यहाँ पे आपके पैसे की जो टोटल वैल्यू आ गई थी आपके क्लाइंट की, जो भी आप उन्हें बोल सकते हैं, 36,27,971 रुपीज। अभी यहाँ पे आपका अपफ्रंट कमीशन वही 500 हो गया है। अभी यहाँ पे आपका जो कमीशन हुआ है वो 18,139 रुपीज। तो आप ये देख सकते हैं कि 15,00,000 रुपए मतलब हुए है टोटल इन्वेस्ट 15 साल में। तो उसमें आपको कितना मिला, तो लास्ट में देखिएगा आपका टोटल कमीशन हुआ है 1,10,972 रुपीज। तो ये हमने मिनिमम पे लिया है दोस्तों, इसको मैक्सिमम पे भी हम ले सकते हैं, तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, बाकी मिनिमम इनकम आपकी ये हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।